तो और कैसे हो लंडो, ठंड के दिनों में तुम तो वैसे ही खुश हो गए ये करके। तो देखो लंडो, आज का ये वीडियो ना बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो फिर से थ्री फिंगर के ऊपर होने वाली है। अब देखो, आपको मैक्सिमम यूट्यूबर्स ये बोलते होंगे कि भाई लो थिली फिंदल में थिप्त हो जाओ, थिली फिंदल में बहुत ही फायदे हैं, पूरा दुनिया थिली फिंदल थिप्त होला है, तो आप लोग भी थिप्त हो जाओ थिली फिंदल में। ऑल ये वाले बंदे की कस्टमर चौधरी कॉपी कर लो। अरे नहीं, ये वाले बंदे की कस्टमर चौधरी कॉपी कर लो, ये बहुत फात खेलता है एकदम। मुझसे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, ये वाला ज्ञान तो सभी यूट्यूबर्स देते हैं आप लोगों को, लेकिन कोई भी यूट्यूबर आप लोगों को ये नहीं बताता होगा कि आप लोगों को उसी थ्री फिंगर वाली कस्टमर एचयूडी में अपना हाथ कैसे सेट करना है, और थ्री फिंगर एचयूडी में हाथ सेट करने के बाद एकदम डेंजरस वाला गेम प्ले कैसे करना है। लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई है ना तुम्हारे साथ। तो देखो भाई लोग, आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि आप लोग थ्री फिंगर वाली कस्टमर एचयूडी में अपना हाथ कैसे सेट कर सकते हो बहुत कम समय में, हाथ सेट करने के बाद अपना गेम प्ले को एकदम गॉड लेवल तक कैसे पहुंचा सकते हो। सच में यार, ये वाला वीडियो देखने के बाद आप लोग बहुत ही ज्यादा डेंजरस खेलने वाले हो, और आप लोगों को ज्यादा प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ट्रिक्स ही कुछ ऐसे होने वाले हैं। और उससे पहले जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाक से वीडियो को लाइक कर दो यार। आज का इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 1K लाइक्स का, ज्यादा नहीं है यार, आप लोग आराम से करा दोगे यार, करा देना प्लीज। तो चलो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो भाई लोग, किसी भी थ्री फिंगर की कस्टमर एचयूडी में जल्दी से जल्दी हाथ अगर आप लोग को सेट करना है ना, तो आप लोग को एक सिंपल सा ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो, ये जो तरीका है ना, इसको बड़े बड़े प्लेयर्स यूज करते हैं। तो देखो, तुमको क्या करना है ना, जो भी तुम कस्टमर एचयूडी में अपना हाथ सेट कर रहे हो ना, मतलब जिसमें भी आप लोग एकदम फास्टेस्ट प्लेयर बनना है, जो भी आप लोग कस्टमर एचयूडी सेलेक्ट किए हो, उसको आप लोगों सिंपली ओपन कर लेना है, और यहाँ पे ऑन करने के बाद इस वाले कस्टमर एचयूडी को आप लोगों को एकदम ध्यान से देखना है एकदम, और अपने दिमाग में बैठाना है कि कौन सा वाला बटन किधर है, और अच्छे से पूरा एनालाइज कर लेना कि कौन सा वाला बटन किधर है। हाँ, ये वाला फायर बटन है सो इधर है, और ये जो जंप वाला बटन है सो इधर है, और हाँ इससे ऐसे होगा, इससे ऐसे होगा, हाँ ठीक है ठीक है, एकदम ऐसे एकदम सेम टू सेम पूरा दिमाग में छाप लेना है। ठीक वैसा ही करना है जैसे आप लोग एग्जाम के टाइम पे करते हो। मान लो कि सुबह में एग्जाम है और आप लोग रात में बुक खोल के बैठे हो और आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, और बुक को खोल के देख रहे हो कि हाँ ऐसे होता है ऐसे होता है। जब आप लोग ये वाला चीज कर लोगे, मतलब सारे बटन को आप लोग अपने दिमाग में बैठा लोगे, उसके बाद आप लोगों को करना पड़ेगा प्रैक्टिस। तो देखो भाई लोग, ये पहला चीज था जो आप लोगों को करना ही करना है। अगर आप लोग थ्री फिंगर में जल्दी से जल्दी हाथ सेट करना चाहते हो, तो आप लोगों को ये चीज करना ही पड़ेगा। तो देखो, इससे ये होता है कि अगर आप लोग एक बार अपने कस्टमर एचयूडी को अच्छे से देख लेते हो और अपने दिमाग में ऐसे बैठा लेते हो, दिमाग तो पूरा एनालाइज किया हुआ होगा ना आपका कस्टमर एचयूडी, तो तुरंत से आपके फिंगर को वो कमेंट भेज देगा कि यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करना है। हाँ, शुरुआत में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, कभी आप लोग फायर बटन पे क्लिक करना चाहोगे तो आपका जंप बटन पे क्लिक हो जाएगा, या फिर स्विच बटन पे क्लिक हो जाएगा। ऐसा होता है भाई, ये चीज नॉर्मल है, सबके साथ होता है, जो भी स्टार्टिंग में सीखना चाह रहा है ना, सबके साथ ये चीज होता ही है। तो चलो अभी मेन चीजों की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो भाई लोग, जब आप लोग इतना कर लोगे, मतलब आपका हाथ थोड़ा थोड़ा सेट होने लग जाएगा आपके कस्टमर एचयूडी पे, तो आप लोगों को एकदम फास्ट तरीके से ग्लूअल कैसे लगाना है, एकदम फास्ट तरीके से हेडशॉट कैसे मारना है, और एकदम फास्टली मूवमेंट कैसे करना है, और एकदम लेजेंड के जैसे कैसे गेम प्ले करना है, तो ये चीज करने के लिए आप लोगों को इसको अलग अलग पार्ट में बांटना पड़ेगा, मतलब आपको इस चीज को प्रोसेस के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है सब चीज का एक अलग अलग प्रोसेस होता है। जैसे कि आप लोग अगर हेडशॉट मार रहे हो तो उसका एक अलग प्रोसेस है, जैसे कि अगर आप लोग ग्लूअल लगा रहे हो तो उसका एक अलग प्रोसेस है, तो जैसे कि अगर आप लोग मूवमेंट कर रहे हो तो उसका भी एक अलग प्रोसेस है। तो तुमको क्या करना है, तुमको सारे प्रोसेस को एक एक करके करना है। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे वन टैप का प्रोसेस कर रहा हूँ, तो तुम लोग को भी यहाँ पे आके कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। कुछ इस तरीके का प्रोसेस करने के लिए आप लोग को तीन चार बटन को दबाना पड़ता है, जैसे कि पहले आप लोग को स्विच बटन को दबाना पड़ता है, फिर जंप बटन को, फिर फायर बटन को, एंड देन उसके बाद आप लोग को स्क्रीन रोटेट करना होता है। अब जैसे कि मैंने आप लोग को बोला कि आप लोग को एक एक करके सारा प्रोसेस करना है, तो इसका मतलब अगर आप लोग वन टैप का प्रोसेस कर रहे हो, तो आप लोग को उसको जब तक करना है जब तक कि आप लोग उसमें मास्टर ना हो जाओ, मतलब कि एकदम परफेक्ट तरीके से आप लोग उसको करने ना लग जाओ, तब तक आप लोग उसको करते रहना है। एक बार भी आपका मूवमेंट अटक नहीं रहा, मतलब आप लोग समझ जाओ कि उसमें आप लोग मास्टर हो चुके हो। ये वाला प्रोसेस करने के टाइम पे अगर आप लोग कहीं पे भी अटक जाते हो, कितना भी ट्राई कर रहे हो, बार बार अटकते ही जा रहे हो, बार बार अटकते ही जा रहे हो, आप लोगों को क्या करना है, वापस से आप लोगों को समझना है कि कौन से बटन के बाद कौन सा बटन को क्लिक करना है, एंड देन दोबारा फिर से ट्राई करना है। जैसे आप लोग ये वाला प्रोसेस में मास्टर हो जाओ, तो वैसे ही आप लोगों को ग्लूअल वाले में मास्टर होना है, मतलब कि अनलिमिटेड ग्लूअल वाला कस्टम बना लो, उसमें जाके दबा के प्रैक्टिस करो सिर्फ ग्लूअल का, मतलब फायर करो ग्लूअल लगाओ, फायर करो ग्लूअल लगाओ, एनिमी से फाइट मतलब बस ग्लूअल लगाते जाओ लगाते जाओ। फिर जब आप लोग ग्लूअल वाले प्रोसेस में मास्टर हो जाओ, तब आप लोग मूवमेंट वाला प्रोसेस करना स्टार्ट कर दो, जैसे कि क्राउच हेडशॉट होता है, फिर उसके बाद फ्री स्टाइल मूवमेंट करके हेडशॉट मारना सीखो, लुक बटन का यूज करके हेडशॉट मारना सीखो, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टाइल्स है जिसमें आप लोग मास्टर हो सकते हो, बट ध्यान रखना आप लोग को शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आप लोग को बोला, जब तक आप लोग किसी एक चीज में मास्टर नहीं होगा, तब तक आप लोग दूसरा वाला स्टार्ट मत करना। और हाँ, अगर आप लोग इन दोनों प्रोसेस को अच्छे से करने लग जाते हो और आप लोग इसमें मास्टर हो जाते हो, तो आप लोग समझ जाओ कि आप लोग न्यू वाले कस्टमर एचयूडी में आप लोग जॉर्ड हो चुके हो एकदम। अब इन सब के अलावा कुछ और चीजें भी हैं जिसको अगर आप लोग अप्लाई करते हो, तो आप लोग बहुत ही जल्दी अपना हाथ सेट कर लोगे अपनी कस्टमर एचयूडी में। आप लोगों को हमेशा सीरियस फाइट लेना है। अब देखो, आप सबके पास तो अनलिमिटेड कस्टम है नहीं, आप लोगों को ट्रेनिंग खेलना है, लेकिन ट्रेनिंग वैसे नॉर्मल तरीके से नहीं खेलना है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को चार बंदे बुला लेने अपने स्क्वाड में, और मतलब वो चार बंदे आपके दोस्त होने चाहिए जो आपसे बात करके खेल सके। उसके बाद आप लोगों को उनको ट्रेनिंग में ले जाना है, एंड बोलना है कि चल भाई मेरे को वन टैप मार के दिखा मूवमेंट के साथ, एंड फुल सीरियस होकर आप लोगों को ट्रेनिंग खेलना है। जब आप लोग अपने दोस्तों से चैलेंज करोगे ना वन
टाइप का, वो भी ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो आप लोग बार बार मरोगे, बार बार उठोगे, फिर मरोगे, फिर उठोगे। और अगर आप लोग बात करके खेलोगे तो आप लोग को ज्यादा बोरिंग भी नहीं लगेगा, एंड आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको मजे भी आ जाएंगे। तो ये वाला प्रैक्टिस का आइडिया कैसा था कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सबसे बड़ी चीज है कि आप लोगों को खुद पे बिलीव रखना पड़ेगा, हाँ मैं कर सकता हूँ यार, मैं थ्री फिंगर में मास्टर हो सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे बिलीव सिस्टम का बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है। अगर आप लोग खुद पे भरोसा रखोगे एकदम शॉर्ट रेंज में जाके बंदे को मारने का, तो आप लोग मार लोगे। पहले ही डरोगे भाई नहीं होगा यार, मेरे से वन टैप नहीं लगेगा, तो आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक चीज आप लोग ध्यान रखो और एक चीज अपने दिमाग में घुसा लो आप लोग, विनर्स जितना सीख नहीं पाते उतना फेलियर सीखते हैं। मतलब कि आप लोग जितना बार मरोगे उतना आप लोग को सीख मिलेगा। ठीक है, बस लौंडो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जितने बंदे भी नए हो। ठीक है, लौंडो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।